So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में हमने ग्रुप 13 स्टार्ट कर दिया था. एक लेक्चर हो गया था ग्रुप 13 का और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे. ठीक है, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ाएंगे. फटाफट से देखते हैं सारी चीजों को. ठीक है, राइट नाउ तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट बता दिया था, डेंसिटी रह गया था शायद, EN वैल्यू बता दिया. तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो गए थे, एटॉमिक नंबर हो गया था, एटॉमिक नंबर वाज डन, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस, आयनिक रेडियस, समझे क्या, ये सारी चीज़ें हो गई थी. ठीक है, ये बच गया है, आयनाइजेशन एनर्जी बच गया, EN वैल्यू बता दिया था, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया था, ये बच गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द EN वैल्यू, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन हमें अक्रॉस अ पीरियड करना है और डाउन द ग्रुप करना है. पहले हम डाउन द ग्रुप डिस्कशन देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डिस्कशन ऑफ डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप ट्रेंड. तो ये ग्रुप वाइज ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, और ग्रुप वाइज ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन क्या है 801 है, एल्यूमिनियम क्या है 577 है, गैलियम क्या है 579 है. क्या दिखा है हमें यहाँ पे, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये होता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. मगर एल्यूमिनियम से अगर हम लोग गैलियम की तरफ आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रहा है, स्लाइटली क्या हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग एक्नॉलेज करेंगे अभी. देन गैलियम से इंडियम आए, गैलियम कितना है 579, इंडियम कितना है 558, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हुआ है. एंड देन इंडियम से थैलियम आए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, 558 से कम होना चाहिए, मगर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 589 हो गया. तो फिर से देखा जाए तो फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है दैट आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ इंडियम इज लेस देन दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ थैलियम. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज. तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए मैक्स सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम. ठीक है, मगर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शन दिखाई दे रहे हैं. हमें ये दिख रहा है कि गैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी वह एल्यूमिनियम से ज्यादा है, इस वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम में एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हुआ है, ये इंटरचेंज हुआ है. उसी तरह से देखा जाए कि इंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी और थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी में रेगुलर ट्रेंड नहीं है. इनफैक्ट हमें क्या दिख रहा है कि थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंडियम से ज्यादा है. तो बेसिकली देखा जाए कि ये एक इंटरचेंज ऐसे एक्सपेक्टेड है. ठीक है, अच्छा अब जब अगर हम लोग वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमें ट्रेंड लिखना है, अगर हमें यहाँ पे ट्रेंड लिखना है आयनाइजेशन एनर्जी वन का, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वन किसका है, बोरॉन का है, समझे क्या. फिर उसके बाद देखो जरा बोरॉन कितना है 801 है. बोरॉन के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, थैलियम का है. बोरॉन के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसका है, वो थैलियम का है, समझेगा. थैलियम के बाद क्या है, गैलियम है, फिर क्या है, एल्यूमिनियम है, और लास्ट में क्या है, इंडियम है. तो व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वन फॉर ग्रुप 13, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वन फॉर ग्रुप 13 क्या है, वो है सबसे ज्यादा बोरॉन है, ये इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा क्या है, बोरॉन है, फिर क्या है, थालियम है, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इंडियम है. बोरॉन का क्या है, IE1 मैक्सिमम है ग्रुप 13 में. बोरॉन का IE1 कैसा है, मैक्सिमम है, और इंडियम का जो IE1 है ग्रुप 1 में वो कैसा है, मिनिमम है, लीस्ट IE1 इन ग्रुप 1, समझे क्या, राइट. एंड दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ग्रुप वाइज जाएंगे अगर हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, तो ग्रुप वाइज स्टडी के लिए IE1 का ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रुप वाइज स्टडी के लिए IE1 का जो ऑर्डर है वो कैसा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे क्या, राइट. सो दिस ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वन जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो इस चीज को अपने नोट्स में ले लो, बिकॉज किताब में बस वैल्यूज लिखे हुए हैं, किताब में ये ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने ऑर्डर लिख के दिया है. So this order is highly important. First ionization energy का जो order है वो कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा important है, समझे क्या, right. फिर उसके बाद next अगर हम values की बात करें, तो next हमें यहाँ पे ionization energy 2 और ionization energy 3 भी दिया गया है. एनीवेज ionization energy 2 जो है वो across the period ज्यादा important रहेगा, मगर एक बार trend देख लेते हैं कि trend क्या बन रहा है. हम जानते हैं, we all know that
एक चीज जो सबको पता है, जब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा हुआ है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, हमने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, हमने अच्छा मैंने लिख कर रखा हुआ है, फॉर ऑल एलिमेंट्स द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर फॉर एनी एलिमेंट, ये मैंने लिख कर रखा हुआ है। फॉर एनी एलिमेंट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर, मतलब क्या, कोई सा भी एलिमेंट है उसका आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। कोई सा भी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट, दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट निकाल लोगे तो ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो है, इट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज हायर। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर एनी एलिमेंट, और यही ऑर्डर हम लोग देखने वाले हैं इसमें भी। अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे अगर हम बोरॉन की बात करते हैं, तो लेट अस सी द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बोरॉन फर्स्ट 801, 2427, 3659, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एल्युमिनियम 577, 1816, 2744, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। गैलियम 579, 1979, 2962, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज। इंडियम 558, 1820, 2704, इस तरह से सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज। एंड थैलियम 589, 1971 एंड 2877, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या इंक्रीज। मैं पहले ही बता दूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमने क्या निकाला, सबसे ज्यादा निकाला हमने बोरॉन, फिर हमने निकाला क्या लास्ट वाला थैलियम, फिर हमने निकाला गैलियम, फिर हमने निकाला क्या एल्यूमिनियम, और फिर हमने निकाला इंडियम। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को ध्यान में रखना। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो अक्रॉस द पीरियड इंपॉर्टेंट रहेगा, मगर फिर भी एक बार हम लोग वैल्यूज को देख लेते हैं, समझे क्या। तो अगर हम लोग वैल्यूज की बात करें, अपने नोट्स में देखो जरा, वैल्यूज के हिसाब से क्या क्या दिया गया है। बोरॉन का कितना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 801 है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कितना है 2427 है, एल्युमिनियम 577, 1816, जैसा एक्सपेक्टेड है ऐसा डाउन द ग्रुप आए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ है एज एक्सपेक्टेड। गैलियम कितना है 579, यहाँ पे कितना है 1979, तो जैसा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिला था एल्युमिनियम गैलियम का, उसी तरह से हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिला है एल्युमिनियम एंड गैलियम के बीच में, ठीक है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी यही ऑर्डर देखने को मिल रहा है कि Ae2 ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ Ae2 ऑफ गैलियम, जबकि उल्टा होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। उसी तरह से गैलियम से इंडियम आए, एज एक्सपेक्टेड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड देन इंडियम से थैलियम आ गए तो फिर से क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो अगेन दिस इज वॉट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, ठीक है। तो फिर से हमें यहां पर क्या देखने को मिला है कि Ae2 ऑफ इंडियम इज लेस देन Ae2 ऑफ थैलियम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ Ae2 क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ Ae2 क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए कि जब एक आयनाइजेशन हो गया है तो सबसे ज्यादा होना चाहिए बोरॉन, एक्सपेक्टेड कि डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। मगर जो इमीजिएट वैल्यू समय देखने को क्या मिल रहा है कि इमीजिएट वैल्यू समय देखने को यह मिल रहा है कि गैलियम जो है वो एल्युमिनियम से ज्यादा है, मतलब एक इंटर 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 ज्यादा है, मतलब एक इंटरचेंज एक्सपेक्टेड है किसमें, इंडियम और थैलियम के बीच में, बात समझ गया, गेटिंग ना। तो अगर हम लोग वैल्यूज के हिसाब से अरेंज करें, ये एक इंटरचेंज एक्सपेक्टेड है एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम के बीच में, तो अगर हम लोग वैल्यूज के हिसाब से अरेंज करें तो वैल्यूज के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, मैक्सिमम Ae2 इज फॉर बोरॉन, देन इट इज फॉर गैलियम, देन इट इज फॉर थैलियम, then it is for indium and then it is for aluminium. तो second ionization energy में least Ae2 किसका है, least Ae2 aluminium का है, इसको एक बार देख लेना, read कर लो इसको एक बार, समझे क्या, Ae2 का order, वैसे more important क्या है, down the group more important order is for Ae1, Ae2 का order बस एक बार observe कर लेना, ठीक है। क्या है, सबसे पहला क्या है, boron है, फिर gallium है, फिर thallium है, values के हिसाब से फिर indium है, फिर aluminium, Ae2 is minimum for aluminium for group 13, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू जस्ट टॉक अबाउट Ae3 का ऑर्डर, तो ये वैल्यूज एक्सपेक्टेड है, फिर से एल्युमिनियम एंड गैलियम में क्या हो गया, एक्सेप्शन आ गया, एंड देन देख सकते हो डाउन द ग्रुप जा रहे तो डिक्रीज होना चाहिए 3659, 2744, तो एल्युमिनियम से गैलियम आ रहे तो डिक्रीज आना चाहिए, मगर क्या हो गया, इंक्रीज आ गया, देन 2962 गैलियम से इंडियम गए, डिक्रीज आया, देन इंडियम से थैलियम गए तो फिर से क्या आ गया, इंक्रीज आ गया, तो फिर से यहां पे क्या हो गया, यहां से यहां पे क्या आ गया, ये एक्सेप्शन आ गया, ठीक है।
तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर के हिसाब से, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है आई थ्री का, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है आई थ्री का, जो एक्चुअल ऑर्डर हमें यहां पे दिख रहा है वो क्या है, वो सेम एज आई टू है। एक्चुअल ऑर्डर आई थ्री का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो सेम एज आई टू है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, इंडियम और एल्यूमिनियम को क्या हो गया, इंटरचेंज कर दिया गया। तो इसको भी क्या कर लो, बस रीड कर लो आई थ्री का ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी थ्री डाउन द ग्रुप, ठीक है राइट। तो और हमें दिख रहा है कि जो इंटरचेंज आया है बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है राइट। मोर इंपॉर्टेंट क्या है, आई वन का ऑर्डर है। अब एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है, उसके बाद हम चलेंगे अक्रॉस अ पीरियड क्या वेरिएशन होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स, डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। जैसा मैंने बताया, द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन साइज, कि बोरॉन से एल्यूमिनियम जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम एज वेल एज बिटवीन इंडियम एंड थैलियम आर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द डीएनएफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट टू कंपनसेट द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब यहां पे क्या बता रहे कि एल्यूमिनियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम के बीच में, एल्यूमिनियम से गैलियम गए और इंडियम से थैलियम गए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रहा है, वो रीजन ये बता रहे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ पे, कि गैलियम में क्या हो गया है, एल्यूमिनियम में क्या है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, जब मैं साइज एक्सप्लेन कर रहा था, एल्यूमिनियम में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक स्ट्रॉन्ग शील्डिंग मिला है, एक स्ट्रॉन्ग शील्डिंग मिला है फ्रॉम द इनर एस एन पी इलेक्ट्रॉन्स, जबकि गैलियम में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक पुअर स्क्रीनिंग मिला है फ्रॉम द इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, समझे क्या। इस वजह से गैलियम में जो न्यूक्लियर पुल है वो कैसा है, ज्यादा है, और इस वजह से इसने क्या किया है, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक अच्छे से अपनी तरफ क्या कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है, होल्ड कर रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। इस वजह से गैलियम में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली, इस वजह से साइज कम है और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज मोर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम गैलियम से जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। उसी तरह से थैलियम में भी, जैसा मैंने बताया था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर पोली शील्डेड बाय डीएनएफ इलेक्ट्रॉन्स, 5d एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड जो न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी लार्ज अमाउंट से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, +32 से बढ़ गया। ये देखो मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लियर चार्ज जो है +32 से बढ़ा है, मगर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से साइज में हमें कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखाई दिया था, 167 से 170 पिकोमीटर तक ही आया था। एंड क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट में उतना कोई चेंज आया नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज ने यहां पे भी क्या किया है, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनको बहुत स्ट्रांगली क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ, क्या, जेड ऑफ किसका, जेड थैलियम का जेड, बात समझे क्या। इस वजह से एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहे हैं तो हमें ऑर्डर में चेंज दिख रहा है, डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। एंड इंडियम से थैलियम जा रहे हैं तो फिर से ऑर्डर में क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, डिक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, बात समझे क्या राइट। तो ये चीज है, ये चीज कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। नाउ नाउ नेक्स्ट जो है, अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। तो वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड, ऐसा वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। तो पहली चीज, फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स, पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉर आईई वन, पहले हम लोग आईई वन की बात कर रहे हैं। तो जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो मैंने एक जनरल ट्रेंड बताया था, जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैंने आयनाइजेशन एनर्जीज के वेरिएशन का क्या बताया था, एक जनरल ट्रेंड बताया था, ठीक है। और फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स वो जनरल ट्रेंड क्या था आयनाइजेशन एनर्जीज के वेरिएशन का, मैंने इस तरह से कुछ ऐसा ग्राफ बताया था कि भाई ये जो है यहां से इस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो
ये है, सपोज करो यहां पे हमने लिखा, यहां पे हमने लिखा IE1 ओवर है, यहां पे मैंने लिखा IE1 और यहां पे मैंने लिखा Z, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने जनरल ट्रेंड किस तरह से बताया था, जनरल ट्रेंड मैंने ऐसे बताया था कि अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो सेकेंड पीरियड में क्या होगा, ये हम गए कैसे, ये हम गए ग्रुप 1 से ग्रुप 2, समझे क्या, फिर ग्रुप 2 से ऐसे आए ग्रुप 13, समझे क्या, फिर ग्रुप 13 से हम ऐसे गए ग्रुप 14, ग्रुप 14 से हम ऐसे ऊपरी गए किस तरफ, यहाँ पे दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 14। ग्रुप 14 से हम आगे ही जाएंगे किसकी तरफ, ग्रुप 15 की तरफ, समझे क्या, फिर ग्रुप 15 से आगे गए हम लोग किधर, ग्रुप 15 से हम लोग आगे गए किधर, ग्रुप 16 की तरफ। तो इसमें एक चीज देखने वाली चीज है कि यहां से हम लोग आए किधर, ग्रुप 16 की तरफ, स्लाइट डिक्रीज आया, एंड देन हम लोग गए कहां, हम लोग गए किस तरफ, ग्रुप 17 की तरफ, फिर हम लोग गए किधर, हम निकले ग्रुप 17 की तरफ, ग्रुप 17 में हम कैसे गए, इस हिसाब से ये ग्रुप 17 हो गया, एंड फिर इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ग्रुप 18, समझे क्या, इस हिसाब से और ऊपर गए तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ऐसा ग्रुप 18। तो मैंने ये ऑर्डर बताया था किसका, ये मैंने ऑर्डर बताया था फॉर सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में हमारे पास इन जनरल, सेकेंड पीरियड में हमारे पास क्या है, अगर हम इसको वैल्यूज को लिखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लीडियम, दिस इज द बेरीलियम, दिस इज बोरॉन, देन उसके बाद वी हैव व्हाट, उसके बाद वी हैव दिस इज कार्बन, देन वी हैव व्हाट, देन उसके बाद वी हैव कार्बन के बाद वी हैव नाइट्रोजन, फिर वी हैव ऑक्सीजन, फिर उसके बाद वी हैव फ्लोरीन, एंड देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव व्हाट, नियन, फॉर सेकेंड पीरियड, ठीक है, फॉर द सेकेंड पीरियड नियन। तो इस तरह से अगर मैं इन जनरल ग्राफ बनाता हूं, दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड पीरियड, दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का वेरिएशन है, ठीक है। और इस तरह से अगर मैं इन जनरल ग्राफ बनाता हूं, इन जनरल अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, इन जनरल अगर ऐसे ग्राफ बना दिया जाए कि फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, ठीक है, अभी बस मैं पीरियड वाइज वेरिएशन दिखा रहा हूं, इसमें ग्रुप वाइज वेरिएशन को मैंने इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज ग्रुप वाइज वेरिएशन को भी इंक्लूड किया तो फिर चीजें बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, देन वी हैव ग्रुप 14, देन वी हैव ग्रुप 15, देन वी हैव ग्रुप 16, देन वी हैव ग्रुप 17, एंड देन वी हैव ग्रुप 18। तो इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं क्योंकि उनको उस समय अच्छे से शायद कुछ चीजें बताई नहीं गई हैं, कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो इन सारी चीजों को देख लो एक बार ध्यान से। मैं वो सारी चीजों को एक बार ले लेता हूं, ये इस तरह से, दिस इज फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, दिस इज फॉर ग्रुप 1, दिस इज फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ठीक है। अब बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि अच्छा सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फॉर सेकेंड पीरियड IE1 को ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए हमें IE1, IE2, IE3 को ऑर्डर दिमाग में होना चाहिए, IE1 को ऑर्डर फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, फॉर किसके लिए, सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड के लिए ये ऑर्डर क्या बनेगा, हमें यहां से दिख रहा है सबसे ऐसा क्या है, ये लिथियम है, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद देखो ग्राफ में, देखो जरा ग्राफ में सबसे पहले लिथियम आएगा, सबसे कम लिथियम आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा बोरॉन, फिर क्या आएगा, ग्राफ देखो फिर क्या आएगा, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, कार्बन जो है बेरिलियम से ज्यादा है,
समझे क्या? कुछ लोग ज्यादा दिमाग तो लगाते नहीं है, उनको लगता है बेरिलियम 2s2 है तो वो कार्बन से भी ज्यादा होगा। नहीं भाई, कार्बन से ज्यादा नहीं होगा, एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है ना, ठीक है, कार्बन है, फिर क्या है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया है। तो कार्बन के बाद क्या आएगा, कार्बन के बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। अब कुछ लोग अपना दिमाग यहाँ पे लगाते हैं कि नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन होता है हाफ फिल, 2s2 2p3, फ्लोरीन होता है 2s2 2p5। तो कुछ लोग के दिमाग में आज भी ये बात बैठी हुई है कि नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा है। नहीं, नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राफ के पॉइंट्स को देखो, देख सकते हो कार्बन को मैंने बेरिलियम से ऊपर रखा है, फ्लोरीन को मैंने नाइट्रोजन से ऊपर रखा है, और नियन सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो कुछ बातें जो गलत बैठी तो तुम्हारे दिमाग में, उन सारी चीजों को सही करो। फ्लोरीन इज मोर देन नाइट्रोजन फॉर I1, एंड देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव नियन, समझे क्या। उसी तरह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, I1 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ I1 फॉर थर्ड पीरियड, फॉर थर्ड पीरियड। इसी तरह से सबसे पहला क्या है थर्ड पीरियड में, सबसे पहला क्या है हमारे पास, ग्रुप वन है। तो थर्ड पीरियड में ग्रुप वन में क्या आता है, अपने पास सोडियम आता है। फिर क्या है हमारे पास, ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में हमारे पास क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद अपने पास क्या है, ग्रुप 14, ग्रुप 14 में थर्ड पीरियड में क्या आएगा, सिलिकन आएगा। फिर क्या है, ग्रुप 16, ग्रुप 16 में थर्ड पीरियड में क्या आएगा, सल्फर आएगा। फिर क्या है, ग्रुप 15, ग्रुप 15 में थर्ड पीरियड में क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा। फिर ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में थर्ड पीरियड में क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। फिर क्या है, ग्रुप 18, ग्रुप 18 में थर्ड पीरियड में क्या आएगा, आर्गन आएगा, समझे क्या। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी वन का ये जनरल ऑर्डर है फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। दिस ऑर्डर इज फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो फॉर देयरफॉर आई ई वन फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। इस बात को ध्यान से देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स चलते हैं कि उनको लगता है कि नाइट्रोजन जो है फ्लोरीन से भी ज्यादा है। नहीं भाई, ये सारी चीजें गलत है। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, अच्छी बात है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा किया ना, फ्लोरीन से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। इतना न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी आगे नाइट्रोजन पास के उसका आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। तो फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड इन जनरल क्या है, इन जनरल वी हैव ग्रुप 1, देन वी हैव ग्रुप 13, देन वी हैव ग्रुप 2, देन वी हैव ग्रुप 14, समझे क्या। उसके बाद वी हैव ग्रुप 16, उसके बाद वी हैव व्हाट, वी हैव ग्रुप 15, देन वी हैव ग्रुप 17, एंड देन वी हैव ग्रुप 18। मतलब देखा जाए तो इंटरचेंज कहां का हुआ, इंटरचेंज बस यहां पे हुआ है, ग्रुप 2 ग्रुप 13 में, ग्रुप 16 ग्रुप 15 में ये इंटरचेंज हुआ है। बाकी लगातार ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13 लगातार ऐसे हम लोग इन जनरल पढ़ रहे हैं, बस 2 और 13 में इंटरचेंज कर दिया, 15 16 में इंटरचेंज कर दिया। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 के ऑर्डर को ध्यान में रखो फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, समझे क्या, राइट। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर, IE2, ऑर्डर ऑफ IE2, तो IE2 के ऑर्डर में जाने से पहले IE2 IE3 का ऑर्डर हमें बस सेकेंड थर्ड पीरियड के लिए पढ़ना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देन उसके बाद IE1 का ऑर्डर एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं, एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं कि इन केस अगर मान लो पूछ लिया गया I1 का ऑर्डर फॉर फिफ्थ एज वेल एज फॉर सिक्स पीरियड, फॉर फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड्स, विच इंक्लूड्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से ग्रुप 18। डी ब्लॉक को इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो IE1 का ऑर्डर फॉर व्हाट, फॉर यहां पे फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड। तो फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड के लिए IE1 का ऑर्डर बहुत सिंपल है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। वो इन जनरल जो है फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड IE1 जो है वो इन जनरल क्या होता है, ग्रुप 1 से ग्रुप 2, ग्रुप 2 से ग्रुप 13, ग्रुप 13 से आगे, ग्रुप 13 से आगे क्या होगा, वो लगातार क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। बात समझे क्या, क्लियर हुआ क्या। तो यहां पे कैसा है, यहां पे वी हैव IE1, ओवर हेयर वी हैव IE1, एंड
यहां पे भी है एटॉमिक नंबर जेड। तो फॉर फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार क्या होता है ये बढ़ता जाता है। ये है ग्रुप वन, ये है ग्रुप टू, ये है ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 14, दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 16, दिस इज ग्रुप 17 एंड देन लास्ट दिस वी हैव इज ग्रुप 18। तो फॉर फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड देर इज नो एक्सेप्शन इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देर इज नो एक्सेप्शन इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वो लगातार क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, मतलब आई वन इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। बस ये इन जनरल याद रखो, अक्रॉस अ पीरियड फॉर फिफ्थ एंड सिक्स ग्रुप, क्योंकि जेड जो है इंक्रीजेस, इंक्रीज इन जेड डोमिनेट्स, इंक्रीज इन जेड डोमिनेट्स, समझे क्या, डोमिनेट्स ओवर ओवर हाफ फिल्ड, हाफ या फुली फिल्ड स्टेबिलिटी, इट डोमिनेट्स ओवर हाफ या फुली फिल्ड स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन जेड विल डोमिनेट ओवर हाफ या फुली फिल्ड स्टेबिलिटी, आई वन इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, समझा गया, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है फॉर फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड एलिमेंट्स। तो अभी फिफ्थ और सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स को तुम लोग देख सकते हो आराम से, और इनको अरेंज कर सकते हैं हम लोग कि इनका किस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। राइट, नाउ नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू IE2 एंड IE3। तो IE2 एंड IE3, IE2 एंड IE3 अक्रॉस अ पीरियड जो तुम्हें पढ़ना है, अक्रॉस अ पीरियड दैट इज ओनली फॉर, अक्रॉस अ पीरियड ओनली फॉर, यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, और किसी पीरियड का तुम्हें वेरिएशन ऑफ IE2 एंड IE3 नहीं पढ़ना है, बात समझे क्या। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी, IE2 की बात करेंगे। वैसे ये तुमने पढ़ा हुआ है और मैंने हैंडबुक भी दिया हुआ है, हैंडबुक में ऑर्डर साफ साफ लिखा हुआ है, मगर एक बार देख लो, IE2, IE2 के लिए IE1 हो जाना चाहिए। तो अगर IE2 के लिए IE1 हो जाना चाहिए तो इसके हिसाब से क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। तो आफ्टर IE1 IE2 का ऑर्डर, ठीक है, तो आफ्टर IE1 अगर हम बात करें, IE1 के बाद, IE1 के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लीडियम, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा BE+, फिर हमारे पास क्या आएगा B+, फिर क्या आएगा C+, फिर क्या आएगा N+, फिर क्या आएगा O+, फिर क्या आएगा F+, एंड देन उसके बाद क्या आएगा अपने पास, ये हो गया क्या, ये हो गया F+, एंड देन उसके बाद क्या आ गया अपने पास, उसके बाद अपने पास आ गया Ne+, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका Li+ क्या होगा, Li+ के पास नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, Li+ के पास कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो क्या है, वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो क्या, सिर्फ और सिर्फ हीलियम, ठीक है। इसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया है हीलियम, मतलब कोर सबका हीलियम का ही है, मैं कोर नहीं लिख रहा हूं बार बार। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया 2s1। B+ क्या हो गया है, B+ हो गया है 2s2। C+ क्या हो गया है, C+ हो गया है 2s2 2p1। N+ क्या हो गया, ये हो गया है 2s2 2p2। O+ क्या हो गया, ये हो गया 2s2 2p3। F+ क्या हो गया, ये हो गया 2s2 2p4। एंड Ne+ क्या हो गया, ये हो गया 2s2 2p5, ठीक है। तो देखो जरा अभी किस हिसाब से वेरिएशन आएगा, किस हिसाब से वेरिएशन आएगा, देखो ये कैसा है, ये 2s2 कैसा है, फुली फिल्ड है। तो अगर हम लोग यहां पे ऑर्डर लिखते हैं, अगर हम लोग यहां पे ऑर्डर लिखे तो डेफिनेटली सबसे कम क्या है, सबसे कम होगा Be+, ऑर्डर ऑफ IE2। IE2 का अगर हम लोग ऑर्डर लिखे तो IE2 का ऑर्डर लिखा जाए तो क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, बिकॉज 2s1 है ना, 2s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, तो सबसे कम क्या होगा, बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोरॉन 2s2, कार्बन 2s2 2p1, 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू 2s2। तो बेरिलियम के बाद क्या आएगा, कार्बन, बेरिलियम के बाद क्या आएगा हमारे पास, आफ्टर बेरिलियम वी विल हैव कार्बन, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, बेरिलियम, फिर उसके बाद क्या हो गया, नाइट्रोजन,
कितना हो गया 2s2 2p2, फिर क्या है 2s2 2p3, समझे का तो डेफिनेटली पहले नाइट्रोजन आ जाएगा क्योंकि 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, ये नाइट्रोजन हो गया ठीक है। अभी ये क्या है 2p3, ये क्या है 2p4, तो 2p4 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू 2p3 बिकॉज 2p3 कैसा हाफ फिल्ड है। तो उसके बाद क्या आएगा फ्लोरीन, फिर क्या है अपने पास, फिर अपने पास है ऑक्सीजन समझे क्या, फिर क्या है उसके बाद अपने पास नियन, और ये क्या है नोबल गैस है एल आई प्लस ना, तो सबसे ज्यादा आई टू किसका है लीडियम का है ठीक है। आई टू का ऑर्डर फॉर वॉट सेकेंड पीरियड, तो ये ऑर्डर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, मगर तुम्हें बस सेकेंड और थर्ड पीरियड का ही ऑर्डर पढ़ना है और किसी भी पीरियड का तुम्हें ऑर्डर नहीं पढ़ना है समझेगा। उसी तरह से आई टू का ऑर्डर अगर हम लिखते हैं फॉर थर्ड पीरियड आई टू, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है समझे क्या। तो ये क्या है, ये होगा बेरिलियम, ये बोरॉन होगा, बेरिलियम नहीं होगा, दिस विल बी बोरॉन, बात समझे क्या राइट। तो बेसिकली यहां पे अगर देखा जाए तो इंटरचेंज किसके बीच में हुआ, इन दोनों बीच में हुआ है कि क्योंकि ये क्या है ग्रुप 14, ये ग्रुप 13 है, ये इंटरचेंज आया है, यहां पे इंटरचेंज आया है ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के बीच में, एंड ग्रुप 1 का कैसा है मैक्सिमम है, ग्रुप 1 का कैसा है मैक्सिमम बिकॉज ये नोबल गैस हो गया ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते आई टू फॉर थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड का भी इसी तरह से होगा, थर्ड पीरियड का भी इसी तरह से होगा, मतलब ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या आ गया, अभी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या आ गया, ये हो गया ग्रुप 2, फिर क्या हो गया, ये हो गया ग्रुप 14, फिर हो गया क्या ग्रुप 13, फिर हो गया ग्रुप 15, फिर हो गया ग्रुप 17, फिर हो गया ग्रुप 16, फिर हो गया ग्रुप 18 और फिर हो गया ग्रुप 1। तो थर्ड पीरियड का आई टू का वेरिएशन भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा समझे क्या। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ जाएगा क्या ग्रुप 2 आ जाएगा, ग्रुप 2 में क्या है हमारे पास, ग्रुप 2 में अपने पास है मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आ जाएगा ग्रुप 14, ग्रुप 14 में क्या होता है सिलिकन, बात समझे क्या। तो जस्ट कीप दिस ऑर्डर इन माइंड, ये क्या है अपने पास सिलिकन, क्लियर हुआ ना। फिर उसके बाद क्या आएगा ग्रुप 13 आएगा, क्या है एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में, फिर ग्रुप 15 क्या है फॉस्फोरस, फिर क्या है ग्रुप 17 क्या है क्लोरीन, फिर ग्रुप 16 क्या है सल्फर, फिर क्या है ग्रुप 18 क्या हो गया आर्गन, फिर हो गया ग्रुप 1 क्या हो गया सोडियम, समझे गए। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि अगर आई वन के ऑर्डर को अगर हम लोग लिखते हैं फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, अगर हम लोग आई वन को ऑर्डर देखते हैं फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, तो आई वन को ऑर्डर निकालना बहुत आसान है फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, पहले सीधा सीधा लिख दो, अब जुगाड़ बता रहा हूं, पहले सीधा सीधा लिख दो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, आई वन का ऑर्डर ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड वॉट ग्रुप 18। तो आई वन में तुम्हें क्या करना है, आई वन में तुम्हें ग्रुप 2 और ग्रुप 13 को ऐसे इंटरचेंज करना है एंड ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 को ऐसे इंटरचेंज करना है आई वन के ऑर्डर में, आई वन का ऑर्डर। उसी तरह से आई टू का ऑर्डर, आई टू के ऑर्डर में तुम्हें क्या करना है, आई टू के ऑर्डर में भी तुम्हें क्या करना है, पहले एकदम सीधा सीधा लिख दो, सबसे पहले एकदम सीधा सीधा लिख दो, ग्रुप 1 तो लास्ट में रखना है, तो सबसे पहले सीधा सीधा लिख दो ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 एंड ग्रुप 1, ग्रुप 1 को सबसे लास्ट, बिकॉज ग्रुप 1 क्या है नोबल गैस है, आई टू का ऑर्डर ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे जो हमें इंटरचेंज मारना है वो किसके बीच में इंटरचेंज करना है हमें, वो हमें इंटरचेंज करना है फिर से ग्रुप 13 और 14 के बीच में, यहां पे इंटरचेंज होना है एंड सेकेंड इंटरचेंज किसके बीच में होना है ग्रुप 16 और 17 के बीच में होना है, ऑर्डर ऑफ आई टू फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के लिए आई टू का और आई थ्री का ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है। देन उसके बाद आई थ्री का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आई थ्री, ऑर्डर ऑफ आई थ्री, तो अभी मैंने एक बार बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, टेस्ट में तो आता ही आता है, तो इसको ध्यान से देख लो। आई थ्री का ऑर्डर सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड पीरियड की, तो आफ्टर आई वन आफ्टर आई टू क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया एल आई प्लस टू, फिर अपने पास आ गया बी प्लस टू,
फिर अपने पास आ गया बी प्लस टू, फिर अपने पास आ गया सी प्लस टू, फिर अपने पास आ गया एन प्लस टू, फिर आ गया ओ प्लस टू, फिर आ गया एफ प्लस टू, एंड देन उसके बाद अपने पास क्या आ गया, उसके बाद अपने पास आ गया एन ई प्लस टू। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1s1, बिकॉज लिथियम क्या होता है 1s2 2s1 होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या बचा 1s1 बचा ना। फिर ये क्या बचा अपने पास, ये हो गया नोबल गैस, ये हो गया हीलियम, ये क्या हो गया बोरॉन, क्या था 2s2 2p1 था, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या हो गया ये 2s1 हो गया। कार्बन प्लस टू, कार्बन क्या था 2s2 2p2 था, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या हो गया ये हो गया 2s2 बन गया, ये बन गया क्या, ये बन गया 2s2, दिस बिकम्स 2s2, ये क्या बन गया, ये बन गया 2s2 2p1, ये क्या बन गया 2s2 2p2, ये क्या बन गया 2s2 2p3, फिर उसके बाद ये क्या बन गया 2s2 2p4। समझे, तो इसके हिसाब से अगर हम ऑर्डर ऑफ आई थ्री लिखते हैं, तो आई थ्री का ऑर्डर फॉर सेकेंड पीरियड क्या ऑर्डर आएगा, सबसे कम क्या है जो S1 है, तो सबसे कम क्या होगा, सबसे कम होगा यहां पे बी प्लस टू या फिर बोरॉन, ऐसे लिख दो बी प्लस टू या फिर बोरॉन। उसके बाद क्या होगा 2s1, फिर ये 2s2 विल बी मोर देन 2s2 2p1, तो क्या आ गया अपने पास, यहां से आ गया नाइट्रोजन। देन 2s2 2p1 के बाद क्या आएगा, ये 2s2 आएगा, फिर क्या आ गया कार्बन, फिर 2s2, फिर क्या 2p2, फिर तो क्या हो गया, फिर ये आ गया ऑक्सीजन, फिर 2p2 2p3 2p4, 2p4 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो क्या आएगा पहले नियन आएगा, फिर क्या आएगा फ्लोरीन, बात समझे क्या, राइट। एंड यहां पे उसके बाद नोबल गैस क्या है, नोबल गैस तो हीलियम है, नोबल गैस अगर हीलियम है तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया हीलियम, ये हो गया हीलियम, समझे क्या, राइट, क्लियर हो गया। अच्छा लीडियम क्या हो गया, लीडियम लेफ्ट आउट हो गया ना, तो लीडियम हमारा यहां पे कहां पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, वेयर शुड बी एडजस्ट दिस थिंग, क्या कहते हैं लीडियम को कहां पे एडजस्ट करना चाहिए हमें, लीडियम भी सेट होगा ना, तो ये देख लो एक बार ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 3, ठीक है। तो इस केस में लिथियम कहां पे एडजस्ट हो जाएगा, लिथियम क्या है 1s1 है, लिथियम को एडजस्ट करना है ना, लिथियम क्या है 1s1 है, और ये क्या है, ये हो गया 2s1, समझे क्या। तो देखा जाए तो फिर यहां पे क्या है, यहां पे बोरॉन हो गया और ये लिथियम हो गया, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली लिथियम जो है यहां पे आके सेट हो सकता है, मतलब इस तरह से आके ऐसे सेट हो सकता है, लिथियम ऐसे सेट हो जाएगा, बिकॉज 1s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है Li+2, और ये बोरॉन प्लस टू है, तो इसके हिसाब से इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है विल बी रफली 13.6 डिवाइडेड बाय 3, कम ही रहेगा, यस इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम ही रहेगा, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे आके क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी 3। एक बार हैंडबुक में चेक कर लेना कि लीडियम का सही पोजीशन क्या दिया गया है, मैंने हैंडबुक में वो पूरा दिया गया है, जो मैंने एलएन का हैंडबुक दिया ना उसमें पूरा ये डिटेल में दिया गया। उसी तरह से हम लोग ग्रुप थर्ड पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर थर्ड पीरियड ऑल्सो, I3 फॉर थर्ड पीरियड, एक बार इन दोनों का चेक कर लेना हैंडबुक में, वैसे मेरे हिसाब से यही होगा, हो सकता है तो ये ज्यादा ज्यादा क्या होगा, इंटरचेंज हो सकता है, एक बार चेक कर लेना हैंडबुक में, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 फॉर थर्ड पीरियड, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले क्या ग्रुप वन आया है, तो क्या हो जाएगा ग्रुप वन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा थर्ड पीरियड में, फिर क्या है थर्ड पीरियड में क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड पीरियड में हमारे पास आ जाएगा ये ग्रुप 13 का गैलियम, फिर उसके बाद सॉरी एल्यूमिनियम,
फिर उसके बाद थर्ड पीरियड में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के नीचे क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस, फिर आ जाएगा अपने पास सिलिकन, फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा, सल्फर, फिर नियन के बाद क्या आ जाएगा, आर्गन, फिर फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन, एंड देन दिस इज एच ई क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये सेकेंड पीरियड का ना बेरिलियम होगा ना, ये बेरिलियम, और ये क्या आ जाएगा, ये मैग्नीशियम आ जाएगा। सो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड में सेकेंड ग्रुप में सब जा रहा है, मतलब ये ऑर्डर देख लेना, अभी ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ये मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन हो गया है अक्रॉस अ पीरियड ग्रुप 13 के लिए, ठीक है, किस हिसाब से वेरिएशन होगा, किस हिसाब से ग्रुप 13 के मेंबर्स को प्लेस किया जा रहा है, सो दिस यू मस्ट नो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी थ्री में मैंने कहा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, एक बार हैंडबुक को चेक कर लेना, हैंडबुक में दिया गया है, मैंने बताया था कहाँ पे दिया गया है, तो ये देख लेना एक बार, वैसे मेरे हिसाब से ही सही लिखा है मैंने, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, सही है वैसे ही, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया था कि रिगार्डिंग द आई वन के ऑर्डर में, जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे थे, जब अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो आई वन मैंने ऑलरेडी बताया था, आई वन ऑफ ग्रुप 12 इज मोर देन आई वन ऑफ ग्रुप 13, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब आई वन ऑफ जिंक, आई वन ऑफ जिंक इज मोर देन आई वन ऑफ गैलियम फोर्थ पीरियड में, उसी तरह से आई वन ऑफ कैडमियम इज मोर देन आई वन ऑफ इंडियम फिफ्थ पीरियड में, एंड सिमिलरली आई वन, ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूं तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। उसी तरह से आई वन ऑफ मरकरी इज मोर देन आई वन ऑफ वॉट थैलियम, तो इस बात का ध्यान रखो, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, ये है फोर्थ पीरियड, ये है फिफ्थ पीरियड, ये है क्या, ये है सिक्स्थ पीरियड, तो इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन जो है वो हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या, एक बार डेंसिटी का वेरिएशन देख लो, इसमें वैसे ज्यादा कुछ सिंपल सी चीज है, देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, यहां पे अपन क्या देख रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ये मेटालॉइड है, ये मेटालॉइड है, और ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब तुम ऑब्वियस सी बात है, यहां पे डेंसिटी का वेरिएशन, थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि डेंसिटी का वेरिएशन जैसे हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, जैसे हम लोग एस ब्लॉक में देख रहे थे ग्रुप वन ग्रुप टू कि डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो डेंसिटी में क्या हो रहा था, डेंसिटी में चेंज आ रहा था, डेंसिटी में इंक्रीज होना चाहिए था डेंसिटी, उसी तरह से यहां पर भी डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसा हमने ग्रुप वन ग्रुप टू में देखा था, वैसे ग्रुप टू में तो वेरिएशन बहुत ही इररेगुलर था, मगर ग्रुप वन में हमने देखा था कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप जनरली इट वॉज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। बस एक्सेप्शन आया था कहां पे, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन आया था, तो यहां पे भी डेंसिटी का वेरिएशन कैसा है, डेंसिटी का वेरिएशन इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विदाउट एनी एक्सेप्शन, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डेंसिटी, इट सिंपली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डेंसिटी इज कंटिन्यूअसली इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप 13 में दिस इज अ वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो सिंपल टर्म्स में दिस डेंसिटी इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट देख लो, वैसे मेटल्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, उसी तरह से गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्यूमिनियम से क्या कम है, मगर बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 13 में सबसे कम किसका है, थालियम का है, मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का सबसे कम था मगर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, थालियम का है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लो, वैसे मेटल्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मेटल्स को सॉलिड स्टेट में जनरली, नेचुरल स्टेट क्या होता है मेटल्स का, सॉलिड होता है, एंड गैलियम इज अ लिक्विड मेटल, सो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो अगर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, दिख रहा है हमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि सबसे सेकेंड हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम है, सेकेंड हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्यूमिनियम है, समझे क्या, दिस इज एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास गैलियम आ गया है, फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास इंडियम आ गया है,
और फिर क्या हमारे पास थैलियम आ गया, मतलब इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट में थैलियम गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम था बिकॉज इट इज अ लिक्विड मेटल, कैरिंग ना, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, समझे क्या? थैलियम का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज लीस्ट फॉर थैलियम, ठीक है। अब अगली चीज आती है इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ई नॉट वैल्यूज। तो ई नॉट वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये यहां पे हम लोग रिलेट करने वाले हैं किससे, इनर्ट पर इफेक्ट हम लोग रिलेट करने वाले हैं, और हमें दिख रहा है कि बोरॉन का ई नॉट वैल्यू है ही नहीं, चाहे वो एम से एम प्लस थ्री हो चाहे वो एम से एम प्लस वन हो, मतलब एक तरह से देखने से क्या लग रहा है, देखने से ये लग रहा है कि बोरॉन इज लेस रिएक्टिव, बोरॉन इज कैसा लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उसका ई नॉट वैल्यू है ही नहीं, समझे गए? चलो कोई हम लोग ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं, जहां पे जो जो वैल्यूज दिए गए उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, सबसे पहले हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। मैंने ऑलरेडी बताया कि बताया था कि जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म से बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं, ये अपने पास है बोरॉन, ये अपने पास है एल्यूमिनियम, ये अपने पास है गैलियम, वी हैव बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करें किसकी, ई नॉट। मैंने कहा था कि मैं हमेशा मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं, तो एम से एम प्लस थ्री, तो बोरॉन से बोरॉन प्लस थ्री, प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस थ्री, प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में, गैलियम में गैलियम प्लस थ्री, प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में, इंडियम से इंडियम प्लस थ्री, प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में, थैलियम से थैलियम प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर हम लोग वैल्यूज लिखते हैं E नॉट एम से एम प्लस थ्री, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है। अभी एल्यूमिनियम का वैल्यू देखो जरा, एल्यूमिनियम का वैल्यू कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया माइनस 1.66, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस 1.66। गैलियम का कितना हो गया, गैलियम का ये हो गया प्लस 0.56। इंडियम का कितना हो गया, इंडियम का हो गया प्लस 0.34। और थैलियम का कितना हो गया, थैलियम का हो गया माइनस 1.26, समझे क्या? तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वही इनर्ट पेरिफेरल का ही एप्लीकेशन, और कोई कोई चीज नहीं है। हमें यहां पे क्या दिख रहा है, हमें यहां पे ये दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एल्यूमिनियम से नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस, ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर एम से एम प्लस थ्री डिक्रीजेस, पहली बार। तो दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह कि स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री स्टेट का ऑर्डर क्या आ गया, जिसका जो जितना जल्दी प्लस थ्री में जाएगा वो उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री स्टेट क्या हो गया, एल प्लस थ्री, फिर क्या हो गया गैलियम प्लस थ्री, फिर क्या हो गया इंडियम प्लस थ्री, इंडियम प्लस थ्री, और फिर क्या हो गया थैलियम प्लस थ्री, यस नॉट। और ये क्या है, ये तो इनर्ट पेर इफेक्ट का वेरिएशन है ना, कह रही ना, प्लस थ्री डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हम लोग ये अब कई बार पढ़ चुके हैं, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट राइट। रीजन क्या है, इनर्ट पेर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, गेटिंग ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसी के हिसाब से मैंने क्या कहा था कि थैलियम प्लस थ्री, थैलियम प्लस थ्री कैसा होता है, थैलियम प्लस थ्री विल गेट रिड्यूस टू थैलियम प्लस वन, एंड थैलियम प्लस थ्री इज व्हाट, क्योंकि थैलियम प्लस वन में रिड्यूस होगा, इस वजह से थैलियम प्लस थ्री विल बी व्हाट, थैलियम प्लस थ्री विल बी ऑक्सीडाइजिंग, थैलियम प्लस थ्री विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, पहले ही बता चुका हूं मैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वी हैव ऑलरेडी रेड ना कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर
ऑफ एम व्हेन एम इज ऑक्सीडाइज्ड टू एम प्लस थ्री. तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर एम से एम प्लस थ्री. समझे क्या? तो क्या ऑर्डर क्या आएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया, फिर हो गया गैलियम, फिर हो गया इंडियम, और फिर हो गया क्या? थैलियम. थैलियम को तो एनीवेज लिखना भी नहीं चाहिए. समझे क्या? तो ये सिंपल सी चीजें हैं. इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही हम लोग देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रो. ठीक है, एंड थैलियम प्लस थ्री फटाफट से कन्वर्ट होगा किसमें? रिड्यूस होगा किसमें? थैलियम प्लस वन में. इसी वजह से थैलियम प्लस थ्री इज वॉट? थैलियम प्लस थ्री इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझे क्या? एंड देन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एम व्हेन एम इज ऑक्सीडाइज टू एम प्लस थ्री. तो उस हिसाब से एम विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना. तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? ये हो गया रिड्यूसिंग पावर. ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या मिला है? हमें मिला है कि दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मिला है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से प्लस वन स्टेट भी दिखाया जाता है. तो एनीवेज प्लस वन स्टेट ये एल्युमिनियम तो नहीं दिखाने वाला है. चलो वैल्यूज को एक बार देख लेते हैं. फिर गैलियम एसिड और एल्कली में अलग अलग है. फिर क्या है? इंडियम है. फिर क्या है? थैलियम है. ठीक है, तो फिर से यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने यहां पर देखा, फिर से जैसे ग्रुप 13 इफ यू जस्ट डिस्कस, तो ये है क्या ग्रुप 13? यहां पे अब हम बात करें किसकी? ई नॉट ऑक्सीडेशन एम से एम प्लस. तो बोरॉन, देन वी हैव एल्युमिनियम, देन वी हैव गैलियम, देन वी हैव इंडियम, एंड देन वी हैव थैलियम. तो बोरॉन से बोरॉन प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता ही नहीं है. ये रिएक्शन नहीं होता है. एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता ही नहीं है. दिस रिएक्शन डज नॉट अकर. समझे क्या? देन गैलियम से गैलियम प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इंडियम से इंडियम प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, थैलियम से थैलियम प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन. समझे क्या? अभी अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं लिखूं इनका ये ई नॉट ऑक्सीडेशन एम से एम प्लस वन, किताब में क्या दिया गया? किताब में ई नॉट रिडक्शन दिया गया. मैं लिख रहा हूं क्या? ई नॉट ऑक्सीडेशन. तो इसके हिसाब से क्या? ई नॉट ऑक्सीडेशन एम से एम प्लस. तो इसके ई नॉट ऑक्स, इसका लिखने का कुछ मतलब नहीं है. एल्यूमिनियम दिया है तो चलो लिख देते हैं. तो मतलब कितना हो गया? -0.55 हो गया. ठीक है, गैलियम के लिए, गैलियम के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन के दो वैल्यूज रहेंगे. कितना हो गया? एक हो गया +0.79 इन द एसिडिक मीडियम, एंड कितना हो गया? +1.39 इन द एल्कलाइन मीडियम. एल्कलाइन मीडियम मतलब गैलियम का एल्कलाइन मीडियम में प्लस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एसिडिक मीडियम. समझे क्या? फिर इंडियम का कितना है? इंडियम का है कितना? +0.18. एंड देन थैलियम का कितना है? थैलियम का है +0.34. समझे क्या? तो हमें यहां से दिख रहा है कि जैसा हमने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से, इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से थैलियम प्लस वन इज स्टेबल. थैलियम प्लस वन इज स्टेबल. और मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू फ्रॉम द वैल्यूज दैट थैलियम प्लस वन क्या होता है? स्टेबल होता है. एंड थैलियम प्लस वन स्टेबल होने की वजह से थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स वॉट? एल्कली मेटल्स. थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स वॉट? एल्कली मेटल्स. जैसे TLOH इज सिमिलर टू NaOH, है कि नहीं? उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास CsBr3 है तो दिस इज एक्चुअली CS प्लस प्लस Br3 माइनस वन. उसी तरह से अगर हमारे पास TLi3 है तो दिस इज जनरली वॉट? अगर हमारे पास TLi3 है तो जनरली एक्सपेक्टेड ये है कि ये भी क्या है? ये भी TL प्लस प्लस I3 माइनस ही है. समझे क्या? TLi3 अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास TLi3 है तो दिस इज ऑल्सो वॉट? TL प्लस प्लस I3 माइनस वन. एकदम इट रिजेंबल्स वॉट? एल्कली मेटल्स. थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स. समझे क्या?
मतलब TLI3 में बेसिकली है क्या, TLI3 में बेसिकली है क्या, TLI3 में बेसिकली हमारे पास थालियम प्लस थ्री था, प्लस क्या था, थ्री आई माइनस था। मगर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, तीन आई माइनस में से यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, ये थैलियम प्लस थ्री कन्वर्ट हो गया किसमें, थैलियम प्लस वन में। यहाँ पे बेसिकली ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, थैलियम प्लस थ्री इनफैक्ट आई माइनस, ये जो आई माइनस है, आई माइनस रिड्यूसेस थैलियम प्लस थ्री टू थैलियम प्लस वन एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस टू आई टू। तो बेसिकली यहां पे क्या है, यहां पे बेसिकली क्या, अगर हमारे पास टी एल आई थ्री है तो येस नो डाउट ये टी एल प्लस थ्री आई माइनस था। मगर इसमें क्या हुआ, ये इस यहां तक स्टेबल नहीं रहा, यहां तक स्टेबल नहीं रहा, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले हुआ, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हुआ, तीन आई माइनस में से दो आई माइनस किसमें कन्वर्ट हो गए, आई टू में कन्वर्ट हो गए प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एंड देन बचा हुआ एक आई माइनस कंबाइन कर गया इस आई टू के साथ। आई टू पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना, तो ये क्या है, ये लोएस एसिड है और ये क्या है, ये लोएस बेस है। इसके पास लोन पेयर है, आई टू पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या बना लेगा, ये आई थ्री माइनस वन बना लेगा, समझे क्या, राइट। एंड देन रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, ये टी एल प्लस थ्री विल एक्सेप्ट दीज टू इलेक्ट्रॉन एंड विल बी रिड्यूस टू टी एल प्लस वन, समझे क्या, इट विल बी रिड्यूस टू वॉट, टी एल प्लस वन। सो बेसिकली दिस एग्जिस्ट एज टी एल प्लस वन। सो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये जो टी एल आई थ्री है, ये जो टी एल आई थ्री है, टी एल आई थ्री है, दिस बेसिकली एग्जिस्ट एज वॉट, टी एल प्लस वन प्लस आई थ्री माइनस वन, समझे क्या। तो बस इसमें बस इतना ही ध्यान रखो कि जो थैलियम प्लस वन है, रिजेंबल्स एल्केली मेटल स्टेबल होता है, ये स्टेबल है, बाकी सबके वैल्यूज पे नो नीड टू पे अटेंशन, ठीक है ना। बस हाँ देख लो कि गैलियम का प्लस एसिडिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम थोड़ा ज्यादा वैल्यू होता है, बाकी नो नीड टू कंपेयर, बस ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझे क्या, स्टेबल है। और ये जैसा मैंने पढ़ाया हुआ तुमको इनर्ट पेयर इफेक्ट में, मैंने पढ़ाया हुआ है कि गैलियम प्लस वन एंड इंडियम प्लस वन दे विल इमीडिएटली ऑक्सीडाइज टू वॉट, गैलियम प्लस थ्री एंड इंडियम प्लस थ्री, कि मैंने पढ़ाया हुआ है। इस वजह से कंपाउंड्स ऑफ गैलियम प्लस वन एंड इंडियम प्लस वन आर रिड्यूसिंग इन नेचर, कंपाउंड्स ऑफ, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, कंपाउंड्स ऑफ गैलियम प्लस वन एंड इंडियम प्लस वन आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो विद दिस द फिजिकल प्रॉपर्टीज कम टू एंड, ठीक है, हाँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुए। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, टेबल हमने पूरा देख लिया, तो टेबल को ध्यान से पढ़ने की चीज है, राइट। फिर हाँ तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये सब मैंने बता दिया, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑल दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। देन ई एन वैल्यू के बारे में भी ये सब हो गया है, ये पढ़ लेना कि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आई वन आई टू आई थ्री का ही ऑर्डर होता है, सम ऑफ द थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट इज हाई, द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी, हाँ ठीक है। देन ई एन वैल्यू डाउन द ग्रुप द ई एन वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम, मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम से थैलियम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन्स एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस, ये मैंने ऑब्जर्वेशन से बता दिया, ठीक है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द एटॉमिक साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो जरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या कहा जा रहा है कि बोरॉन इज नॉन मेटालिक इन नेचर, हम लोग इसको मेटालॉइड की कैटेगरी में रखते हैं, हम लोग इसको रखते हैं कहां पे, दिस इज केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ मेटालॉइड, इट इज केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ मेटालॉइड, समझे क्या। देन इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, करेक्ट, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, इट एग्जिस्ट इन द मेनी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरॉन इज हैविंग अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट,
रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे जनरली लोग ऐसा मुझसे डाउट पूछते हैं कि ओपी टंडन में बोरॉन को सेमी मेटल की कैटेगरी में रखा गया है, मगर एनसीईआरटी कहता है दैट इट इज नॉन मेटालिक नेचर। मतलब इसके पास नॉन मेटालिक और मेटालिक प्रॉपर्टीज दोनों होते हैं, मतलब इसको मेटालॉइड की कैटेगरी में ही रखना चाहिए हमें, समझे क्या? राइट। बट जनरली जो है अगर पूछा जाए कि बोरॉन क्या है, एनसीईआरटी कहता है नॉन मेटालिक इन नेचर, तो लेट अस फॉलो व्हाट एनसीईआरटी सेज, बट एक्चुअली इट शुड बी मेटालॉइड। बोरॉन पूरा का पूरा नॉन मेटल नहीं है, एक्चुअली इट शुड बी मेटालॉइड, क्योंकि बहुत सारे ये ऐसे प्रॉपर्टीज दिखाता है मेटालॉइड जैसे, ठीक है। बट ठीक है, इन द एंड जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसको फॉलो करो, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसको फॉलो करो। जो मैंने बताया था कि मैंने कहा था कि टोटल 18 कैसे नॉन मेटल्स हैं, तो एनसीईआरटी में बोरॉन को भी इंक्लूड कर दिया गया, तो वो 18+1 19 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो बोरॉन इज नॉन मेटालिक इन नेचर। नाउ उसके बाद क्या कह रहे हैं, इट इज वर्थ वाइल टू नोट दैट गैलियम इज यूजुअली हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट, कुड एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, हाई बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट यूजफुल मटीरियल। ये इंपॉर्टेंट है, गैलियम इज अ लिक्विड मेटल एंड इट इज यूज्ड इन थर्मोमेट्री, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कैसा हाई है, ये इंपॉर्टेंट है। गैलियम इज यूज इन थर्मोमीटर्स, कैन बी यूज एज गैलियम, कैन बी यूज एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। गैलियम कैन बी यूज एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, गैलियम एंड मरकरी, मरकरी को भी हम लोग यूज करते हैं ना थर्मोमेट्रिक लिक्विड में, समझे क्या? Then density of these elements increases down the group from boron to thallium. ठीक है, right? Now, next let us move on to the chemical properties. इसमें फटाफट बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। Chemical properties, oxidation state and the trends in the chemical reactivity. So due to small size of boron, the sum of the first three ionization enthalpies is high. This prevents it to form +3 ions and forces it to form. मतलब boron जो है +3 cation ही form करता है, वो covalent bond form करता है, ठीक है। Small size है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन लूज करने का आयनाइजेशन एनर्जी इसके पास नहीं आएगा, तो बोरॉन +3 फॉर्म नहीं करेगा, इंसटेड वो क्या करेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, समझे क्या? इंसटेड इट फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, समझे क्या? बट एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्युमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीजेस एंड देयरफॉर एल्युमिनियम इज एबल टू फॉर्म Al+3 आयंस। इन फैक्ट एल्युमिनियम इज द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हमने देखा था ईएन वैल्यू के ऑर्डर में, ईएन वैल्यू के ऑर्डर में ऑर्डर क्या था, ऑर्डर था एल्यूमिनियम, ऑर्डर ऑफ ईएन वैल्यू क्या था, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड देन बोरॉन, एल्यूमिनियम क्या था, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, समझे क्या? हाउएवर डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डीएनएफ ऑर्बिटल्स एंड इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, दे होल्ड द एनएस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। They hold the NS electron tightly because the reason for inert pair effect. इस वजह से NS electron क्या होते हैं, वो participate नहीं कर पाते, thereby restricting their participation in bonding. मतलब वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे down the group जाते हैं कि poor shielding of DNF orbital की वजह से और increasing nuclear charge की वजह से NS electron is held tightly by the nucleus, which is responsible for inert pair effect. This is the reason for inert pair effect. कि due to poor shielding of DNF electrons and because of increased nuclear charge, the NS electrons are held tightly and they cannot participate in bonding. This is only what inert pair effect. As a result of this, the p only p electron may be involved in bonding. ठीक है? In fact, in gallium, indium, thallium, both +1 and +3 oxidation states are observed. The relative stability of the +1 oxidation state progressively increases for the heavier members. इस तरह से मैंने बताया +1 oxidation state का stability down the group जाएंगे तो increase होता रहता है. In thallium only +1 oxidation state is predominant, whereas +3 oxidation state is highly oxidizing. क्योंकि thallium का plus three compound तुरंत reduce होगा किसमें, thallium+1 में, इस वजह से +3 oxidation state is highly oxidizing in nature. वो सब पढ़ा दिया. The compounds in +1 oxidation state as expected from energy considerations are more ionic than those in the +3 oxidation state. Obvious ही बात है कि थैलियम कोई भी सभी कंपाउंड होगा, +1 is more ionic than what +3,
समझे क्या? क्योंकि प्लस वन में क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन कम होगा, प्लस थ्री में पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन ज्यादा होगा, तो प्लस थ्री में कोवलेंट नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, इन सब चीजों के बीच मैं इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि गैलियम एंड इंडियम में देखो, बोरॉन जो है, एनसीईआरटी कहता है कि बोरॉन कैसा नॉन मेटालिक है, तो ठीक है, जो एनसीईआरटी ने कहा उसको मान लेंगे, ठीक है। जो जो मैंने कल क्लास में, पिछले क्लास में लिस्ट लिखवाया था ना, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड का, उसमें बोरॉन को मेटलॉइड से हटा के मेटल नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रख दो, बोरॉन को मेटलॉइड से हटा के नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रख दो, क्योंकि एनसीईआरटी कह रहा है कि बोरॉन क्या है, नॉन मेटालिक इन नेचर है, हमें एनसीईआरटी को ही मानना है, समझे क्या? राइट। अच्छा, तो अभी हम लोग यहां पर बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो बोरॉन के केस में क्या है, बोरॉन डज नॉट, इट फॉर्म्स ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स, प्लस थ्री नहीं फॉर्म करता है, बोरॉन डज नॉट फॉर्म प्लस थ्री, यही कहा जा रहा है ना कि बोरॉन जो है दिस बोरॉन डज नॉट फॉर्म प्लस थ्री आयन फॉर्म नहीं करेगा, शोज व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड्स। बोरॉन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, शोज ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स। बोरॉन कैसा है, नॉन मेटालिक नेचर है, एनसीईआरटी जो कह रहा है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। एल्यूमिनियम जो है प्लस थ्री फॉर्म कर देगा, एंड एल्यूमिनियम के लिए प्लस वन फॉर्म करने का कोई सवाल नहीं उठता है, एल्यूमिनियम विल नॉट शो प्लस वन तो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस थ्री होता है। हाँ, गैलियम ऑनवर्ड्स, गैलियम प्लस वन, गैलियम प्लस थ्री, इनर्ट पेर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज, समझे क्या? राइट। एंड देन थैलियम में, थैलियम प्लस वन एंड थैलियम प्लस थ्री, तो इसमें स्टेबल कौन कौन से, स्टेबल गैलियम प्लस थ्री है, इंडियम प्लस थ्री और थैलियम प्लस वन स्टेबल है। रीजन फॉर एनोड पर इफेक्ट क्या है, देखो एनसीईआरटी ने रीजन लिखा हुआ है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ DNF electrons and because of increasing nuclear charge, the NS electrons are held tightly and they are not allowed to participate, thereby restricting their participation in bonding. मतलब they are not allowed to participate in bonding. इस वजह से they tend to remain inert and only p orbital electron may be involved in bonding. वही चीज तो हो रहा है ना, वही ये रीजन है, ये रीजन है, ये तीन चार लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रीजन फॉर इनर्ट पेरिफेक्ट, ध्यान से पढ़ना, दिस इज रीजन फॉर, यहां से रीजन फॉर इनर्ट पेरिफेक्ट, रीजन फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर कौन सा इनर्ट पेयर, एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर, एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू रिमेन इनर्ट, सो दिस इज द रीजन फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसी वजह से थैलियम में ये जो है 6s2 6p1, 6s2 कैसा रहता है, इनर्ट रहता है, दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ओनली 6p1 कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, समझे क्या? ये इनर्ट पेरिफेरिक सारी चीजें हैं, जो जो स्टेबल है वो समय अंडरलाइन कर दिया, थैलियम प्लस थ्री बता दिया कि ये फटाफट कन्वर्ट होगा किसमें, थैलियम प्लस वन में रिड्यूस होगा, थैलियम प्लस थ्री इज व्हाट, थैलियम प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग, थैलियम प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग, एंड गैलियम प्लस वन, इंडियम प्लस वन, दे आर रिड्यूसिंग। अच्छा, अब दो बातें जो मैंने नहीं बताई थी, पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि गैलियम के लिए प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन इन द कंपाउंड, गैलियम के लिए एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होता है, ठीक है, गैलियम पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन इन द कंपाउंड GaCl2, जहां पे गैलियम को प्लस टू अज्यूम किया जाता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट गैलियम को क्या माना जाता है, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है क्या, प्लस टू, समझे क्या, गैलियम का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज अज्यूम टू बी कितना, प्लस टू, हाउएवर बट गैलियम GaCl2 एक्चुअली एग्जिस्ट एज ये इंपॉर्टेंट है, GaCl4 इट एक्चुअली एग्जिस्ट एज GaCl4 जिसमें इट इज हैविंग गैलियम प्लस वन एंड गैलियम प्लस थ्री, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, समझे क्या, राइट, विच इज एक्चुअली GaCl4-1, यहां पे गैलियम क्या है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
ठीक है, तो एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इससे पहले डिस्कशन नहीं हुआ है। दूसरी चीज, इट इज ऑब्जर्व दैट, दूसरा पॉइंट इट इज ऑब्जर्व दैट गैलियम प्लस वन एंड इंडियम प्लस वन, जो ऑब्जर्वेशन है, गैलियम प्लस वन एंड इंडियम प्लस वन, दे डिस्प्रपोर्शनेट। एम प्लस थ्री दे डिस्प्रपोर्शनेट टू एम प्लस थ्री एंड एम जीरो। समझे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां से जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव थ्री टाइम्स ऑफ जी एक्स, सो एक्स क्या है, हेलोजन हो सकता है, तो ये क्या देगा, ये देगा टू टाइम्स ऑफ गैलियम जीरो प्लस क्या जी एक्स थ्री। उसी तरह से वी हैव थ्री टाइम्स ऑफ आई एन एक्स, ये क्या देगा टू टाइम्स ऑफ इंडियम प्लस आई एन एक्स थ्री, गैलियम प्लस थ्री। मतलब वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी थी कि प्लस वन जो है फटाफट कन्वर्ट होगा किसमें, प्लस थ्री में, प्लस वन जो है फटाफट कन्वर्ट होगा प्लस थ्री में, मगर ये नहीं पढ़ा था कि डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो इट इज एक्चुअली व्हाट, डिस्प्रपोर्शनेशन, इट इज एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेशन इन द एक्वा सॉल्यूशन, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ गैलियम प्लस एंड इंडियम प्लस, इट इज एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ गैलियम प्लस एंड इंडियम प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन। बात समझ गया? तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, बाकी सारे पॉइंट हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को ऐसा लिख सकते हो तुम लोग। राइट नाउ, फिर उसके बाद जैसे मैंने जो बताया यहां पे थैलियम के बारे में, थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स, एंड जो TLOH जो है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया, थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स, क्योंकि हम लोग यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ओवर हियर, तो लेट अस एड दिस पॉइंट। मैंने ये वाला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ था ना कि थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स, यहां पे हाँ थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स, ये यहां पे लिखा था ना जहां पे हम लोग बात कर रहे थे ई नॉट वैल्यूज की, तो यहां पे ऐड कर लो, बुक में ऐड कर लो कि थैलियम प्लस वन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डगबिल प्लैटिपस बोलते हैं, मतलब ये ग्रुप 13 के जैसा भी है और ग्रुप 1 के जैसा भी है, इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स। इसी वजह से TLOH लाइक NaOH, TLOH जस्ट लाइक NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड वॉटर सॉल्युबल बेस। तो थैलियम कहीं पे, तो थैलियम को हमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखना है, वो क्या है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमें थैलियम का ध्यान में रखना पड़ेगा। बात समझे क्या? गेटिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ, उसके बाद अब क्या बात कर रहे हैं, अब ये बात करी जा रही है कि इन द ट्रायवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब अब यहां पे शायद लुईस एसिड के बारे में, लुईस एसिड कैरेक्टर बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रायवेलेंट स्टेट में हमें पता है कि ग्रुप 13 वाले भी क्या होते हैं, लुईस एसिड तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। गेटिंग, तो उसी की बात करी जा रही है कि यही कहा जा रहा है कि इन द ट्राइवेलेंट स्टेट, व्हाट इज बीइंग सेड दैट ये कह रहे हैं कि इन द ट्राइवेलेंट स्टेट ऑफ द कंपाउंड दीज एलिमेंट्स, एग्जाम्पल इन बोरॉन एंड BF3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ओनली 6। इसी वजह से ग्रुप 13 वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एंड हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, एंड दस दे बिहेव एज लुईस एसिड्स। हाउएवर, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बात, ग्रुप 13 वाले दे विल एक्ट एज लुईस एसिड, बट टेंडेंसी टू बिहेव एज अ लुईस एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर
लुइस एसिड कैरेक्टर बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम. इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. समझे क्या? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज द लोएस्ट एसिड कैरेक्टर विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप. तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखो. और ये सब लोग पढ़ चुके हैं कि BCl3 easily accepts lone pair of electron from ammonia to form BCl3.NH3. ये सब पढ़ा हुआ है हमने कि BCl3 इसके पास ये क्या है, इसके पास क्या है, this is having a vacant orbital. समझे क्या? और ये अमोनिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल में ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है. समझे क्या? और BCl3 में हमने पढ़ा है कि BCl3 में बैक बॉन्डिंग भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. अभी मैंने हाल में हाइड्रोलिसिस खत्म किया, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन हैलाइड्स. मैंने बताया था कि लुइस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन हैलाइड्स क्या है, इस तरह से है BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3. हाल में खत्म किया है, ये मैंने सिखाया हुआ है. ठीक है, तो वही बता रहे कि दिस BCl3 कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड बिकॉज यहां पे बैक बॉन्डिंग तो होता नहीं है. इस वजह से बोरॉन BCl3 में कैसा है, sp2 है, और लोन पे लेने के बाद क्या हो गया, ये बन गया sp3. नाइट्रोजन पहले भी क्या था, sp3 था, और बाद में भी नाइट्रोजन कैसा है, sp3 ही है, मगर ज्योमेट्री में क्या हो गया, चेंज हो गया है, शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया. अगर हम बात करें यहां पे जिस तरह से क्वेश्चन निकल सकता है कि ये BCl3 है, दिस इज BCl3, इस तरह से, प्लस यहां पे कैसा, अमोनिया. ये अमोनिया, तो इस बात पे ध्यान देना कि शेप चेंज होता है, ये ऐसा. तो ये यहां पे sp2 बोरॉन है, बोरॉन इज sp2, और अमोनिया जो है ये लोन पेयर दे दिया, तो यहां पे sp3 अमोनिया, sp3 नाइट्रोजन, पिरामिडल शेप. शेप इज व्हाट, पिरामिडल. पिरामिडल शेप, समझे क्या? राइट. और इसके बाद जब ये बन जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, बोरॉन क्या हो गया, sp3 हो गया. अभी टेट्राहेड्रल बोरॉन एंड ये ऐसा, इस तरह से. तो यहां पे बोरॉन क्या हो गया, बोरॉन हो गया sp3 एंड शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री. नाइट्रोजन sp3 ही रहा, मगर शेप चेंज हो गया, पिरामिडल से क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया. ये शेप बदल के क्या हो गया, पिरामिडल से क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया. ठीक है, राइट. नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ, तो जिस तरह से हमने बात करी थी बोरॉन के हैलाइड्स में, मैंने बताया था कि बोरॉन के हैलाइड्स में कि बैक बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत चांस रहता है, मगर AlCl3 के केस में अगर हम बात करें, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट